तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। भाई लोग, आपका भी फ्री फायर अकाउंट बैन हो सकता है, आपका डिवाइस जो है सस्पेंड होता है, कुछ इस टाइप की गलती आप करते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फ्यूचर में इस वीडियो की 100% जरूरत पड़ेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। साथ में चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नाइट में एक हल्का समझ गया था कि फ्री फायर ने बहुत सारे अकाउंट जो है उनको बिना वार्निंग दिए सस्पेंड कर दिया, उनका डिवाइस जो है बैन कर दिया, और बंदों का मानना है कि उन्होंने स्क्रिप्ट यूज़ किया था, हैक यूज़ किया था। तो हाँ, मैं बता दूँ, उनमें से 60% लोगों ने जो स्क्रिप्ट और हैक का यूज किया था, बाकी 40% बंदे ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि उनका डिवाइस जो है बैन क्यों हुआ, उनका अकाउंट जो है सस्पेंड क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत छोटी छोटी सी गलतियां होती है जिनको आप लोगों ने इग्नोर किया है और अब वो फ्री फायर के हाथ लग गई है, ठीक है। तो क्या गलतियां आपने दोहराई है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं, ठीक है। बट उससे पहले कुछ आपको एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। तो लास्ट महीनों से अपने इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर चीज चल रही थी, लाइसेंस स्क्रिप्ट। जो बंदे स्क्रिप्ट बांट रहे थे वो पूरी तरह से आपको श्योर कर रहे थे कि अगर हम आपको ये स्क्रिप्ट देंगे तो पूरी तरह से अगर आपका अकाउंट कहीं से कहीं तक बैन होता है, आपका डिवाइस कहीं तक बैन होता है तो वो अनबैन करवा के देंगे। बट एक महीने की स्क्रिप्ट के आपको पे करना पड़ता था 2204 रुपये। इसके लिए मैंने पूरी तहकीकात की है, मैं खुद गया था इसकी पूरी तहकीकात करने, ठीक है। और एक महीने के आपको 2204 रुपये पे करना पड़ता है, और कहाँ से आ रही थी स्क्रिप्ट वो भी मुझे पता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अपने इंडिया के बहुत ऐसे पॉपुलर प्लेयर है, अपने इंडिया के नहीं है, अदर रीजन के भी बहुत ऐसे पॉपुलर प्लेयर हैं जिन्होंने इस स्क्रिप्ट का यूज़ किया है, लाइसेंस स्क्रिप्ट का यूज़ किया है और बंदों को चूतिया बनाया है। बट प्रॉब्लम्स यहाँ पे उनके लिए खड़ी हो गई कि ये जो स्क्रिप्ट है वो किसी ने गरेना को तक पहुँचा दी है, और गरेना ने उन सारे अकाउंट को डिटेक्ट किया है और उनका डिवाइस प्लस उनका अकाउंट जो है वहाँ पे सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि भटक रहे हैं इधर उधर, बोल रहे हैं कि भाई हमने कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं की थी, हमने कोई भी किसी प्रकार का हैक यूज़ नहीं किया, तो हमारा डिवाइस जो है वो क्यों बैन कर दिया, ठीक है। तो अकाउंट जो है सस्पेंड होने के पीछे चार कारण होते हैं। सबसे पहला होता है मेन हैक और स्क्रिप्ट। सेकंड जो होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, यानी कि आप कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जो कि गेम को कहीं ना कहीं किसी तरह से प्रभावित करती है, गेम के कंट्रोल्स उनकी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करती है, तो वहाँ पर आपका अकाउंट 100% सस्पेंड होगा। सेकंड जो चीज़ होती है मेन, आपने एक बात नोटिस की कि अपना जो फाइल मैनेजर होता है उसके अंदर एक फोल्डर होता है एंड्रॉयड, जिसके अंदर फ्री फायर का एक अलग से फोल्डर बना होता है .com.dts.freefire। इस जो फाइल है इसको मोस्टली बंदों ने यहाँ पे डिलीट कर दिया था, बट यहाँ पे आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि इस फाइल से ओनली आपका डाटा जो है क्लियर होता है। बट इसके साथ साथ कुछ बंदों ने गलती से किसी अदर फाइल के साथ भी छेड़छाड़ कर दिया था जो कि फ्री फायर की होती है, जिसकी वजह से ये बात जो गरेना तक लग गई, भनक लग गई, और गेम को ये कहीं ना कहीं किसी रूप से प्रभावित करती थी, इसी वजह से उनका अकाउंट बैन हो गया है। तो यहाँ पे उन बंदों को आंसर मिल गया कि जो बोल रहे थे कि भाई हमने किसी भी प्रकार से हैक यूज़ नहीं किया था, तो भाई आपने एंड्रॉयड के अंदर जो फाइल्स होती है फ्री फायर की उनके साथ छेड़छाड़ किया था, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप किसी भी तरह से एंड्रॉयड के अंदर जो फाइल बनी होती है उनके साथ, कोई भी एप्लीकेशन हो उनकी फाइल के साथ छेड़छाड़ ना करें, ये आपको भारी नुकसान पहुँचा सकती है। नेक्स्ट बात अगर मैं कर लेता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जो कि आपने देखा होगा रेड डॉट लगा देता है बंदे कहाँ आ रहे हैं, या फिर ये बता देता है कि कहाँ पे ज़्यादा लूट मिलेगी। मैं किसी भी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा, बट एक भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो जो कि गेम को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है तो आपका अकाउंट बैन होगा। तो सिंपल सी बात है, आप इस टाइप की चूतिया पर ना पड़े कि भाई स्क्रिप्ट बांट रहा है, भाई पूरी तरह से गारंटी ले रहा है, ये लास्ट 6 महीने या 7 महीने से ये स्क्रिप्ट जो है अपने इंडिया या फिर अदर रीजन जो है उनके अंदर चल रही थी लाइसेंस वाली, बट अब जो है ये डिटेक्ट हो गई है और बारी बारी से अकाउंट जो है डिटेक्ट किए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े अकाउंट अपने इंडिया से जो है बैन होंगे, जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे थे यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर, जो हेडशॉट मास्टर, पता नहीं क्या क्या फास्टेस्ट प्लेयर A to Z, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। बीच में मैं वीडियो बना के बता देता क्योंकि मैंने इसकी पूरी तहकीकात की थी, बट मुझे पता है कि अपने इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है कि बिना प्रूफ के वो कुछ भी जो है समझते नहीं है, फिर प्रूफ भी दे दो तो एक बार जो बंदा फेमस हो गया है उसके बारे में कुछ गलत सुनाने चाहेंगे, उसको कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, जो उसका अगर आवाज़ उठाता है। मैंने PewDiePie के ऊपर भी वीडियो बनाया था, बट यहाँ पे मुझे बहुत सारे बंदों ने बोला कि भाई वो है पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि इस टाइप की जो फालतू साइट्स होती हैं, ठीक है, या किसी भी तरह से फ्री डायमंड्स के चक्कर में आना है, कोई एप्लीकेशन के चक्कर में आना है, कोई फोल्डर डिलीट करना है, तो ये आपको भारी नुकसान पहुँचेगा। तो सेफ के लिए सेफ रहे और मस्त रहे, ठीक है। और जिनके
अकाउंट्स बैन हुए हैं, अब वो अकाउंट अनबैन होने की आशा कहीं से कहीं तक ना करें, और अगर वो कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, वापस से बैन हो जाएंगे। ठीक है, जो गलती आपने की है, मेरे गिल्ड बॉस गिल्ड से भी बहुत सारे बंदों के अकाउंट बैन हुए, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर गलती की है, और अदर गिल्ड हैं उनसे भी बहुत सारे बंदों के अकाउंट बैन हुए, उनकी गलती है, इसमें गिल्ड की कोई गलती नहीं रहती है, बंदों की गलती है, इसमें गिल्ड की कोई गलती नहीं रहती। ठीक है, तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फालतू की किसी भी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है।